हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कॉन्गनाइज टुडे अवर टॉपिक द पैडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड इट्स फॉल आउट्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गोल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन कंटेम्पोरे इंडिया टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द पैडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश नाउ लेट्स स्टार्ट द अनिशियल ऑब्सेशन विद लैंग्वेज करेक्टनेस जो जुनून था लैंग्वेज करेक्टनेस का एंड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ऑन क्लासिकल टेक्स्ट जो क्या था स्ट्रेस दिया जाता था क्लासिकल टेक्स्ट पर जो बिगड़ रहा था ड्यूरिंग इट्स इंसेप्शन मतलब स्टार्टिंग में जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो थी इंडिया में वो क्या थी मार्ड हो रही थी क्लासिकल टेक्स्ट की मतलब बिगड़ रही थी जो स्ट्रेस दिया जा रहा था क्लासिकल टेक्स्ट पर स्टार्टिंग में क्या था काफ़ी जुनून था लैंग्वेज करेक्टनेस का टिल रिसेंटली ऑल ई एल टी मटीरियल हैड अ काइंड ऑफ इंग्लिशनेस जो ई एल टी मटीरियल है वो क्या है इंग्लिशनेस की काइंड है अबाउट दैम एंथोलॉजीज ऑफ इंग्लिश पॉइट इसमें क्या है संकलन है इंग्लिश पॉइट्स का प्ले राइट्स का प्ले राइट्स कौन होते हैं जो नाटक लिखते हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर्स वर स्पेशली प्रपेयर टू इंट्रोड्यूस इंडियन लर्नर टू द बेस्ट लिटरेचर एंड कल्चर इन द वर्ल्ड क्या था जो प्ले राइट्स थे पोइट्स थे और स्टोरी राइटर थे वो क्या थे बेस्ट कल्चर एंड लिटरेचर के लिए बेस्ट माने जाते थे वर्ल्ड में प्ले बाय शेक्सपियर शेक्सपियर के द्वारा कुछ प्ले लिखे गए थे और लिखी गई थी मिल्टन ड्राइडन पॉप वर्सवर्थ की लॉरेंस एंड हार्डी वुड कॉन्स्टिट्यूट इजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम इसमें क्या था अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए क्या था शेक्सपियर और पोएम्स uh, लिखी गई थी मिल्टन ड्राइडन और नॉवेल्स लिखे गए थे आपको मैंने पहले बताए हैं सारे नाम मतलब इन्होंने क्या था कंपोनेंट्स तैयार किए थे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए मीन्स टू तो से मटीरियल प्रपेयर किया था उनकी लर्निंग के लिए द फोकस ऑफ टीचिंग वॉज ऑलवेज ऑन मेन फोकस जो होता है टीचिंग का सबसे ज्यादा किस पर दिया जाता है रीडिंग पर कॉम्प्रीहेंशन पर एंड ऑन क्रिटिकल अप्रीशियेशन ऑफ द वर्क पर ओथर्स के वर्क पर दैट ऑफ़न दैन नोट अप जस्ट बींग द रिप्रोडक्शन ऑन द पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट द आइडियाज ऑफ दिज ऑथर इन द फाइनल एग्जामिनेशन क्या है ऑथर्स के आइडियाज़ के बारे में बताया जाता है स्टूडेंट क्या है इनकी रिप्रोडक्शन करते हैं मतलब लिखे गए मटेरियल को रिप्रोड्यूस करते हैं एग्जामिनेशंस में हाउ एवर द डिजेन डिजेन होता है तिरस्कार वन विटनेस फॉर द नेटिव लैंग्वेज ऑफ लर्नर टूडे इन मोस्ट अप्रोचेस टू लैंग्वेज टीचिंग वॉज नोट प्रेजेंट इन द एटींथ एंड नाइनटीन सेंचुरीज इन इंडिया जो लैंग्वेज की अप्रोचेस थी वो क्या थी इंडिया में एटीन और नाइनटीन सेंचुरी में प्रेजेंट नहीं थी ट्रांसलेशन वॉज वेरी ऑफ़न। जो ट्रांसलेशन थी वो अक्सर यूज की जाती थी रिलायबल टूल था ये लैंग्वेज टीचिंग का मोस्ट ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग मटीरियल अक्रॉस द वर्ल्ड वर बाई लिंग इन नेचर जो सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग मटीरियल था वो मोस्टली क्या होता था बाई होता था एंड कुड ऑफन बी यूज टू लर्न इधर लैंग्वेज और इसे दोनों लैंग्वेज सीखने के लिए यूज किया जाता था वर्ड द लर्नर ऑलरेडी नो वॉज एट लिस्ट इम्प्लिसिटी सीन एज एन एसेट लर्नर्स क्या पता उनको ये पता ही हो उन्होंने इसे एसेट के रूप में देखा हो मींस टू से टीचिंग और लर्निंग को इंग्लिश को एक संपत्ति के रूप में देखा हो इन एडिशन टू इसके अलावा क्या है ट्रांसलेशन ग्रामर मेमोराइजेशन ऑफ पैराडिगम एंड वोकेबलरी ये सब चीजें क्या हैं लैंग्वेज टीचिंग की बैकबोन है मीन्स टू से लैंग्वेज की टीचिंग की रीड है रीड की हड्डी की तरह काम करती है ग्रामर मेमोराइजेशन ट्रांसलेशन और वोकेबलरी ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पैडोगोजी इसमें हमने क्या देखा है टीचिंग के मटेरियल को देखा है शेक्सपियर के प्लेज हैं मटेरियल में पैडोगोजी में पोएम्स हैं नॉवेल्स हैं और क्या है फोकस किया गया है टीचिंग की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्रिटिकल अप्रिशिएशन पर और क्या है एसेट के रूप में इसे डिनोट किया गया है और जो लैंग्वेज टीचिंग है उसमें क्या है जो बैकबोन है उसकी वो ट्रांसलेशन है ग्रामर है मेमोराइजेशन है और वोकेबलरी है ये थी हमारी पैडागोजी का फर्स्ट पैराग्राफ नाउ वी डिस्कस सेकेंड पैराग्राफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया टू पैरल ट्रेडिशन ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इस्टब्लिश दैम सेल्फ स्वतंत्र के बाद स्वतंत्र भारत के बाद क्या था दो पैरल ट्रेडिशंस थे लैंग्वेज के जो खुद इस्टैब्लिश हुए थे द इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट्स एंड पब्लिक स्कूल्स जो इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल थे और पब्लिक स्कूल थे वो क्या थे मोस्टली अर्बन एरिया और मेट्रोपोलिटन सेंटर्स में थे जैसे कि हिल स्टेशन कैटर टू नीड्स ऑफ द द पावरफुल को पूरा करते थे वो एलाइट पावरफुल। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन दी स्कूल्स, hmm. इन स्कूलों में जो इंग्लिश सिखाई जाती थी वो किस तरह तरीके से सिखाई जाती थी मीन्स टू से ज्यादा किस बात पर फोकस दिया जाता था स्पोकन स्किल पर मतलब बोलने के हुनर पर इंग्लिश को रीडिंग और राइटिंग से ज्यादा द ब्रिटिश एसेंट ऑफ दीज चिल्ड्रन जो ब्रिटिश एसेंट था इन चिल्ड्रन का वो अलग पार्ट था मतलब आर्मी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उनको रिक्रूट किया जाता था इन ऑर्डिनरी वर्नैकुलर स्कूल जो ऑर्डिनरी वर्नैकुलर स्कूल थे वो किनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे केटर टू द नीड्स ऑफ द मासिस मतलब ऑर्डिनरी लोगों की जरूरतों को पूरा करते थे इंग्लिश वॉज ऑफन इंग्लिश वॉज ऑफन नोट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड वोज ओनली एज अ सब्जेक्ट जो इंग्लिश थी वो अकेली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज नहीं की जाती थी बल्कि उसे एक सब्जेक्ट के रूप में टीच किया जाता था द फैसिलिटीज अवेलेबल वर मिनिमल जो फैसिलिटीज थी वो काफ़ी कम थी उस टाइम पर द फोकस इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग वो ऑन जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग थी उसमें मेन फोकस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ग्रामर ट्रांसलेशन एंड प्रिश राइटिंग पर ही दिया जाता था ये हमने पहले भी रीड किया है कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ग्रामर ट्रांसलेशन और प्रेशियस राइटिंग पर दिया जाता है ये एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की बैकबोन का काम करता है ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया फर्स्ट टू पैराग्राफ हैं इसके काफ़ी इजी हैं बिल्कुल इजी हैं नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा बिफोर द एडवेंट ऑफ सच मैथड एज द डायरेक्ट मैथड और द ऑडियो लिंगल अप्रोच जो मैथड थे यूज किए जाते थे टीचिंग में वो थे डायरेक्ट मैथड और ऑडियो लिंगल अप्रोच द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सीन इन ऑर्डिनरी गोरमेंट स्कूल ऑफ इंडिया जनरली लुक्ट एज फॉलोज इसमें क्या है ऑर्डिनरी जो गोवर्मेंट स्कूल थे उनके बारे में बताया गया है प्राइमरी एजुकेशन वोज थ्रू द मदर टंग और द डोमिनेंट रीजनल लैंग्वेज जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसमें किसके रिलेटेड टीचिंग करवाई जाती थी मतलब किस लैंग्वेज से मदर टंग से और डोमिनेंट रीजनल लैंग्वेज से मतलब जो उस एरिया की लैंग्वेज होती थी इंग्लिश वोज इंट्रोड्यूज इन क्लास फिफ्थ जो इंग्लिश थी वो क्लास फिफ्थ से स्टार्ट करवाई जाती थी एज अ सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट था इंग्लिश इट बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर साइंस मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस इन हायर क्लासेस जो गवर्नमेंट स्कूल होते थे उनमें क्या था जो साइंस मैथमेटिक और एस एस टी हायर क्लासेस में क्या था जो साइंस मैथ और एस एस टी थे उनका जो सब्जेक्ट का मीडियम था वो इंग्लिश चूज किया जाने लगा इंग्लिश वो स्टोर्ड लार्जली थ्रू द मदर टंग जो इंग्लिश थी वो किसके थ्रू टीच की जाने लगी मदर टंग से स्टार्ट किया गया इसको और ग्रेजुअली वन मूव टू द रीडिंग ऑफ द पोयम्स फिफ्थ क्लास से एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट की गई और हायर क्लासेस में इसे साइंस मैथेमेटिक और एस एस टी साइंस के सब्जेक्ट में चूज किया जाने लगा एज अ मीडियम और उसके बाद पोएम्स रीड की जाने लगी सब्जेक्ट में और शॉर्ट स्टोरीज एंड एक्ट जिन्हों जिसे ब्रिटिश ऑथर्स द्वारा लिखा गया था ट्रांसलेशन ग्रामर एंड वोकेबलरी जो ट्रांसलेशन थी ग्रामर थी और वोकेबलरी थी वो क्या थे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट थे इस प्रोग्राम के दोज हु एक्सेल्ड इन इंग्लिश इंग्लिश में उसे ही एक्सल्ड माना जाता था उसे ही श्रेष्ठ माना जाता था जो ऐसे में और प्रेशियस राइटिंग में गुड होता था अच्छा होता था द सीन वॉज ऑफ कोरस क्विट डिफरेंट इन कॉन्वेंट एंड पब्लिक स्कूल वेयर चिल्ड्रन वर इमर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर जो कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल इनमें मेन डिफरेंस क्या था जो बच्चे थे चिल्ड्रन थे वो इमर्स्ड पूरे मगन रहते थे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर में नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा इन बोरोइंग लैंग्वेज टीचिंग मेथड फ्रॉम द वेस्ट जो वेस्ट से लैंग्वेज टीचिंग मेथड को बोरो किया गया वी हैव ऑफन बोरोड द क्या बोरोड किया था हमने उनसे जैरगन एंड द स्लोगन जैरगन होता है शब्द जाल और स्लोगन होते हैं नारे स्पिरिट की बजाय उनसे जैरगन और स्लोगन को बोरो किया गया हैव वी केयरफुली एग्जामिन दशू हम एग्जामिन करते हैं इस ईशू को वेदर मैथड्स इवोल्व यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है प्री डोमिनेंटली इन मोनोलिंग एंड मोनोकल्चर सोसाइटीज़ विल भी सूटेबल फॉर द कम्प्लेक्स एंड फ्लूड मल्टीलिंग सिचुएशन इन इंडिया उन्होंने क्या पूछा है इंडिया में मल्टीलिंग सिचुएशन में क्या ये सूटेबल था कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मोनोलिंगल और मोनोकल्चर सोसाइटीज का द डायरेक्ट एंड द ऑडियोलिंगल अप्रोच जो डायरेक्ट और ऑडियो लिंगल अप्रोच थी उनकी डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी टीचर्स पर और उनके लिए क्या जरूरी था ऑडियो विजुअल सपोर्ट ज़रूरी था फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स इन इंडिया इट सिंपली मीन रिजेक्टिंग द लैंग्वेज ऑफ देयर स्टूडेंट ये था हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें बोरोइंग के बारे में बताया गया है और मेथड्स के बारे में और मोनोलिंगुअल और मोनोकल्चर सोसाइटी के बारे में जो सूटेबल थी मल्टीलिंगुअल सिचुएशन इन इंडिया में लास्ट पैराग्राफ है हमारा इस टॉपिक का इन पास्ट फ्यू डिकेड्स हाउ एवर द लर्नर हैज कम टू सेंटर ऑफ द मोस्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कुछ पिछले दशक में क्या था जो लर्नर थे वो सेंटर्स में इन मेथड्स के लिए आते थे मतलब डायरेक्ट और ऑडियोलिंगुअल मेथड के द्वारा वो teach, सीखना चाहते थे टीचिंग के थ्रू दीज अप्रोचेस गिव इम्पोर्टेंस टू दी क्रिएटिविटी ऑफ आउटपुट ये जो अप्रोचेस थी मीन्स टू से ये जो डायरेक्ट मेथड और ऑडियो लिंगुअल अप्रोच थी इसमें ज्यादा किस चीज पर इम्पोर्टेंस दी जाती थी ऑफ आउटपुट पर और एक्टिव लर्नर इन्वॉल्वमेंट इन इंटरेस्टिंग टास्क एंड सिचुएशन ऑथेंटिसिटी ऑफ मटेरियल एंड फैसिलिटेटिंग रोल ऑफ द टीचर इसमें क्या है टीचर के टीचिंग के रोल पर और क्या है इंटरेस्टिंग टास्क एंड सिचुएशन पर और मटेरियल पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी इन इंडिया दिज अप्रोच इनमें क्या था ये एक्सपेरिमेंट बेस पर होती थी इन दिस कंटेक्सट इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड इस कंटेक्सट में हमें दिमाग में ये रखना जरूरी है कि अनक्रिटिकल असेंप्टेंस ऑफ द वेस्टर्न प्रोसीजर एंड ट्रीटिंग इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज जो असेप्टेंस है वेस्टर्न प्रोसीजर की और इंटरनेशनल लैंग्वेज की इसे एक्वायर किया गया है वेस्टर्न नॉलेज के लिए जो क्या है भरा हुआ है खतरों से और इस पर इसे किसके साथ एग्जामिन किया गया है पैरामीटर ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया द नेक्स्ट सेक्शन विल एग्जामिन एन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ लैंग्वेज पैडागोजी ये था हमारा पैडागोजी का टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टावर्ड्स एन अल्टरनेटिव सस्टम ऑफ लैंग्वेज पैडागोजी आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने इस टॉपिक में क्या क्या रीड किया है एक तो हमने क्या है एंथोलॉजिस संकलन को रीड किया है इंग्लिश पोइट्स प्ले और शॉर्ट स्टोरी राइटर्स को और क्या है जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मटेरियल था वो किन के द्वारा था प्लेज लिखे गए थे राइटर्स द्वारा पोएम्स लिखी गई थी और नावल और शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई थी फर्स्ट पैराग्राफ में हमने यही रीड किया था और क्या था सेकंड लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल के बारे में रीड किया था और लैंग्वेज टीचिंग की बैकबोन के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे वो क्या थे ट्रांसलेशन ग्रामर मेमोराइजेशन ऑफ पैराडिगम एंड वोकेबलरी और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ था दो ट्रेडिशन ऑफ लैंग्वेज इस्टेब्लिश हुए थे और क्या रीड किया है हमने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बारे में स्कूल्स में जो कॉन्वेंट स्कूल थे उनमें सबसे ज़्यादा किस पर फोकस किया जाता था स्पोकन इंग्लिश पर रैदर देन द रीडिंग और राइटिंग स्पोकन पर फोकस किया जाता था और गवर्नमेंट स्कूल्स की टीचिंग के बारे में बताया गया था उसमें जो इंग्लिश थी वो फिफ्थ क्लास से स्टार्ट की जाती थी एज अ सब्जेक्ट नॉट अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और हायर क्लासेस में क्या था मैथ एस एस टी साइंस और इंग्लिश तो सब्जेक्ट होता ही था और उसमें ऑप्शन होती थी एज अ मीडियम को सिलेक्ट करने की कि हमने कौन सा मीडियम लेना है इंग्लिश पंजाबी और हिंदी और क्या था जो टीचिंग है हायर के बाद किस चीज़ में मूव हुई मतलब जो सब्जेक्ट था इंग्लिश का उसमें पोएम्स आने लगी शॉर्ट स्टोरीज आने लगी जो Mostly किसके द्वारा लिखी गई थी ब्रिटिश ऑथर्स द्वारा लिखी गई थी और इंग्लिश में उसी को ही एक्सल्ड माना जाता था जो गुड होता था ऐसे और प्रीशियस राइटिंग में और जो स्टूडेंट्स थे बच्चे थे वो इंग्लिश लैंग्वेज और कल्चर में काफी इमर्स थे आई होप आपको पैडागोजी के बारे में अच्छे से समझ आ गया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं एम इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड थैंक यू गाइस बाय बाय हैव अ नाइस डे